नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और आज दोस्तों मैं एक नाश्ते के लिए ब्रेड रोल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 6-7 ब्रेड लिए हैं। ये मेरे व्हाइट ब्रेड हैं, उबले हुए आलू लिए हैं, 5-6 आलू हैं हमारे, कटा हुआ हरा धनिया लिए, हरी मिर्च लिए, 3-4 हरी मिर्च है, एक प्याज है कटी हुई, 4-5 काजू है कटे हुए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू की फिलिंग बना लेते हैं, आलू को मैश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आलू मैंने इस तरह से बड़े बड़े इस तरह से मसल के मैश कर लिए हैं, और मैंने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है, और इसमें मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब हम इसमें मसाला बनाने के लिए जीरा डालेंगे, और जीरा हमारा तड़क गया है। अब हम इसमें हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। इसमें दोस्तों आप मटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मटर नहीं डाल रही हूँ। और इसमें हम काजू भी डाल देते हैं। अब इनको अच्छे से मिलाते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम मसाले के लिए जो आलू लिए थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं, और आलू मैंने सारे डाल दिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले भी डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो सबसे पहले मसालों में नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ी सी 1/4 चम्मच हल्दी में बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और दोस्तों मैंने ये सौंफ ली है, थोड़ी सी मैं सौंफ डालूंगी। आप चाहे तो इसमें साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं। अब हम मसाले और आलू को अच्छे से मिला देते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, और ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया है तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, लेकिन मेरे पास अभी कुटा हुआ धनिया नहीं है। और हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और ऊपर से डालेंगे कटा हुआ धनिया। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार और मिला देते हैं, और हमारी फिलिंग तैयार है। देखिए दोस्तों, फिलिंग मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर ली है, और इस तरह की मैंने एक प्लेट ली है गहरी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और रोल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड उठाएंगे, और ब्रेड को हल्का सा ऐसे पानी में डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको इस तरह हथेलियों से दबा के इसका पानी निचोड़ देंगे। बिल्कुल ये हल्के हाथों से करना है, नहीं तो हमारी ब्रेड टूट जाएगी। पानी मैंने सारा निकाल दिया है। अब दोस्तों आलू की जो फिलिंग ली थी वो इस पे इस तरह से लगा देते हैं, और इस तरह से इसको मोड़ते हुए इसको बंद कर देंगे, और इस तरह दबा दबा के। दोस्तों मैंने इसकी किनारी नहीं निकाली है, आप अगर किनारी नहीं पसंद करते हैं तो आप किनारी सारी काट सकते हैं। और इसको मैंने ये वाली शेप दी है, आप चाहे तो गोल आकार में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड रोल बना के तैयार कर लेते। देखिए दोस्तों, इधर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम होने के लिए, और देखिए दोस्तों मैंने अभी 5 ब्रेड रोल बनाए हैं। ये मैंने कटिंग जिसकी नहीं की है वो ब्रेड रोल है, और ये किनारी कटिंग करके बनाए हैं। आपको जो पसंद हो आप वो बना सकते हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो इस तरह सावधानी से हम तेल में डाल देते हैं। और इस तरह से इनको बराबर हिलाते हुए हम अच्छे से इनको सेकते हैं। देखिए दोस्तों, बराबर चम्मच से हिलाते हुए मुझे इस तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ सेकना है। देखिए दोस्तों, रोल हमारे अच्छे से चारों तरफ हमने घुमा घुमा के सेक लिए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और चलते हैं प्लेटिंग करने। देखिए दोस्तों, ब्रेड रोल हमारे बाकी के भी हमने सारे सेक लिए हैं, और ये बनके तैयार हो गए हैं। और इस तरह से मैंने इनकी प्लेटिंग की है। आप इसको सॉस या चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये कितने करारे बने हैं। देखिए, शायद आपको साउंड हल्के से सुनाई दे रही होगी। अब हम एक ब्रेड रोल काट के दिखाते हैं। देखिए, मैंने एक ब्रेड रोल कट करके दिखाया है। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। ये बच्चे बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। और प्लीज हमारी रोल की अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेड रोल बनाएं और एंजॉय करें।